सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते शांतिनाजन तीर्थंकराय द्वादशकण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र पड़ामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिष्मारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुल्ममारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वबैतालशाकिनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर वीर शांति पुराय पुराय सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभ्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट पटंब पत्तन द्रोणमुख संवाहनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुःखमानन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु सा यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अव्ययम् क्षेमम् आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। श्री विद्यासागर जी महाराज तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज संगस्त सिद्धांत रत्न ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री दीदी व रंजना शास्त्री दीदी व आज के समस्त शांति धारा कर्ता परिवार, आज एक गज की राशि 1,00,000 रुपए की आगरा निवासी श्रीमती शशि कास्तलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार जी कास्तलीवाल, माता श्री श्रीमती नीना गंगवाल एवं श्रीमती अंबर जैन एवं समस्त परिवार कांदीवाली मुंबई परिवार की तरफ से यहाँ पर 1 गज की राशि मंदिर निर्माण में दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुभाष जी जैन, कुसुम जैन अपने पोते यशवर्धन जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शांतिधारा व भंडारा गौतम जैन, रतिका जैन व ईसा जैन 127 से जैन कॉलोनी परिवार के द्वारा चांदनी सेठी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आपके चरणों में शांति धारा श्रीमती मंजू जैन, नमन जैन, विमान जैन सेठी कोटा परिवार की ओर से स्वर्गीय कल्पना जैन की पुण्य स्मृति में स्वर्गीय कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय मैना सुंदरी जैन कत्थेवाला परिवार सीसी कॉलोनी द्वारा 150 लोगों का भोजन, नीरज जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा धर्मपत्नी दीपा जैन लोधी कॉलोनी द्वारा श्रीमती बिमला जैन, सुरेश जैन, संपत्ति, ज्योति, संदीप, रुचि एवं मनीष अपने नवीन ग्रह प्रवेश सीवी 171 के उपलक्ष्य में शांति धारा में भोजन, एकता जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शांति धारा में भोजन, सौरभ जैन, श्री दिगंबर प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष जैन, अनुष्का जैन एवं ऋत्विक जैन प्रेमनगर द्वारा, दृष्टि जैन पुत्री श्रीमती अंजलि जैन एवं विवेक जैन की ओर से शांति धारा स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन व स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जैन की पुण्य स्मृति में अशोक जैन, आशा जैन पुत्र व पुत्रवधु अगस्ता लिपि जैन, पोत्र व पोत्रवधु ईवान जैन, प्रपोत्र सीयू 42 प्रीतमपुरा दिल्ली परिवार की तरफ से 1 रत्न शिला आज यहाँ पर मंदिर निर्माण में रखी गई। श्री दीप कुमार जी, श्रीमती कुसुमलता जैन, विकास जैन, सीनू जैन, विशाल जैन, पलक जैन, खुशी जैन,
आदित्य संस्कृति आरिव जैन वीके फिल्म शालीमार पाक परिवार की तरफ से भी आज की शांति धारा व ताम्रशिला संदीप जैन संजीव जैन राजीव जैन अदिति जैन दर्शन परिवार कोटा परिवार की तरफ से एक ताम्रशिला सत्येंद्र प्रसाद जैन राजेंद्र कुमार धर्मचंद जैन सह परिवार कामा भरतपुर परिवार की तरफ से एक ताम्रशिला परिवार की तरफ से श्री सुनील जी मनीषा जी जैन मोना जनरेटर परिवार की ओर से नवीन ग्रह के उपलक्ष में उनके परिवार की तरफ से शांति धारा अनुजा जैन धर्मपत्नी श्रीमती विनीता जैन विनीत जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा निरोतक रोड करीबाग दिल्ली से महिला मंडल जवाहर नगर जवाहरपुर जयपुर से श्रीमती आयुष्मती जी निर्मला जी सावित्री देवी चंदा जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा जी लाजवंती देवी जी सुशीला जी टेलीफोन वाली पद्मा सौगानी जी लज्जा जी बबरी देवी परिवार की तरफ से शांति धारा नसीब सोनी ममता नीतू मनीत पीयूष लोहित पलक स्मिता श्रीदिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुड़मंडी श्री भूपतराय अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजना बहन भूपतराय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीव हेत्री भूपतराय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार अजय जैन रितु जैन शक्तिनगर वालों द्वारा एक महीने की शांति धारा श्रीमती बीना जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अमरचंद जी जैन चंद्रनगर ब्यावर रोड अजमेर परिवार की तरफ से शांति धारा जिनेन्द्र नीता प्रिंकित पायल गंगावत उदयपुर राजस्थान परिवार की ओर से आज की शांति धारा समस्त शांति धारा कर्ता परिवार टीवी के सामने देखने वाले घर पर बैठे देखने वाले सभी के लिए अपवायम मृत्यु अति कामम रति कामम अस्माकं पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः ओम राम रीम रूम रौरा नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम् भव ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्य औषनः विद्यायै नमो ओरियन्तालं ह्रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु सा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृति क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं राशि आहुषा नमः मम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु भवतु जय बोलो देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देश से राष्ट्र से पूरा राजा करो तो शांति देवा तुम परमागम तुम राजागम तुम जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जय जिनेन बंधुओं सौभाग्य आपको बुला रहा है दर्शन करने नहीं भगवान के यहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके अंदर शिला स्थापित करने के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हजारों परिवारों के द्वारा यहाँ पर शिला स्थापित की गई है कहीं ऐसा ना हो कि आप रह जाए आने वाली 4 नवंबर को एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम जिन परिवारों के द्वारा अगर शिला नहीं रखी गई हो बंधुओं यह एक ऐसा मौका आपको मिल रहा है शायद आपने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि किसी मंदिर के निर्माण में इतने लोगों की शिलाएं स्थापित हो आप भी अपने परिवार की तरफ से एक शिला जिसकी राशि मात्र 1,00,000 रुपए पार्श्वनाथ शिला रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए स्वर्ण शिला जिसकी राशि मात्र 31,000 रुपए रजत शिला जिसकी राशि मात्र 21,000 रुपए कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र
11,000 रुपए, ताम्रशिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला स्थापित करना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी अपना नाम हमें शीघ्र दे देवे, क्योंकि 4 नवंबर तक हो सकता है इसके बाद ये मौका आपको ना मिले। बंधुओं, हमने सोचा है कि कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ पर स्थापित होकर के इस मंदिर का, जो एक अतिशयकारी मंदिर जिसका आप सभी ने देखा, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति का कितना चमत्कार है, जिसके दर्शन मात्र से आप सभी के सब दुख दूर हो जाते हैं। कितने ही कोविड के लोग इससे ठीक हुए हैं, कितने ही लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, कितने ही लोगों की कितनी बीमारियां ठीक हुई है। ऐसा ना हो आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला स्थापित ना करके और इस पुण्य को छोड़ देवें। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी शिला स्थापित करें, क्योंकि उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में आप सभी ने देखा 22 अगस्त को इसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी। जल्दी से जल्दी आप अपने परिवार की तरफ से यह शिला रखें, यह सौभाग्य आपको बुला रहा है। हो सकता है आपकी जिंदगी में आपको दोबारा यह मौका ना मिले। आपने देखा 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर का उद्घाटन भी किया, और आज उसके अंदर जो 80 गज में उपाध्याय श्री ने कहा कि भैया अनाउंस करने से कुछ नहीं होता है, तुम आज से ही इसको चलाओ। हमने ये हॉस्पिटल मात्र 100 गज जगह में भी चला रखा है, कम से कम 40 से 50 भाई बहन रोज इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम इस हॉस्पिटल को 500 गज जगह में बनाना चाहते हैं। 1 गज की राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से देकर के और इस लाभ को अवश्य कमाएं। भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार ऐसा है कि आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज, 2 गज, 5 गज, 11 गज या 21 गज दे देंगे तो आपको निश्चय ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बंधुओं, कितने ही लोग इस चीज का यहाँ पर फायदा उठाएंगे। हमारे अध्यक्ष श्रीमान आरके जैन साहब ने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाऊंगा और मैं इसके अंदर पूर्ण सहयोग करके जितना जल्दी होगा इस कार्य को शुरू कराऊंगा। यह सब जब ही होगा जब आप सभी लोग इस कार्य में भी हमारा साथ देंगे। आने वाली 4 नवंबर सबसे बड़ा दिन, मोक्ष कल्याणक भगवान महावीर स्वामी का, उस दिन आपके नाम की शिला रखी जाएगी, उस दिन आपके नाम का लड्डू चढ़ाया जाएगा, उस दिन आपके नाम की पूजन की जाएगी। कोई भी परिवार जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर के भी इस पुण्य को कमा सकते हैं। बंधुओं, ये पुण्य आपको शायद दोबारा ना मिले। इस कोविड के बाद में आपने देखा होगा कि कितने कार्यक्रम यहाँ पर इस मंदिर जी में आप सभी के लिए किए गए। आप सभी लोग इस कार्य में भी साथ दे करके रोज यहाँ पर पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, और अब एक और चैनल आदिनाथ चैनल के नाम से भी आपको शांति धारा देखने को मिलेगी। आप सभी लोग इसमें भी हमारा सहयोग करें। बाहर आपने देखा गरीब लोगों को, अभी तक करीब 4.5 लाख लोगों, गरीब भाई बहनों को हमने यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं। आप भी अपने परिवार की तरफ से 2100, 5100, 11,000, 21,000 रुपए की राशि देकर के और गरीब भाई बहनों को यहाँ पर भोजन करवा सकते हैं। यह सब पुण्य आप अवश्य लेवे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आप देख रहे हैं श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो कि 1500 गज जगह में विशाल बनने जा रहा है। आप सभी के समक्ष आप अभी देखेंगे यहाँ पर भोजनशाला व गुरुओं को रुकने का निवास स्थान यहाँ पर हम बना चुके हैं, और मंदिर का कार्य भी 4 तारीख से, आने वाली 4 नवंबर से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। बंधुओं, मैं देख रहा हूँ अभी मात्र यहाँ पर करीब 1200-1300 परिवारों के द्वारा शिला रखी गई है। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे कार्य के अंदर आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर की भूमि में, जो आपके नाम, परिवार का नाम लिख करके यहाँ पर रखी जा रही है, आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला यहाँ पर अवश्य रखें। राशि का कोई मुद्दा नहीं है। आप 5100 रुपये दें, 11,000 दें, 21,000 दें, 51,000 रुपये दें, 1,00,000 रुपये दें, जितनी आपकी शक्ति हो उतने की शिला रख करके इस मंदिर के निर्माण में आप अपना नाम अवश्य लिखवाएं। मेरा निवेदन, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी जैन परिवार है या अजैन परिवार है, आप अपने परिवार की तरफ से यहां पर शिला अवश्य रखें। बंधुओं, कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में अगर किसी व्यक्ति का 1 रुपये भी लग जाता है तो वह उसका जीवन सफल हो जाता है, और आपको यह मौका दिल्ली जैसी जगह पर मिल रहा है जहां पर
अभी तक करीब 1200 परिवारों के द्वारा शिला रखी गई है। आप अपने परिवार की तरफ से आज से ही अपना नाम, गलती ना करें, घर में अगर 7 मेंबर हैं, 7ों मेंबर के नाम से शिला रखवाएं। राशि का कोई मैटर नहीं है, आप 5100 दें, 11000 दें, ना दें, पर आप अपने परिवार का नाम लिखकर, कोई भी जैन परिवार ऐसा ना हो जिसकी शिला यहाँ पर नहीं रखी गई हो। बंधुओं, जब राम मंदिर बना, दुनिया के देखा, सब जगह बैनर लग गए, क्या हमारा मंदिर इतना कमजोर है? क्या हमारा समाज इतना कमजोर है? आप सभी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक एक शिला, चाहे कुछ भी हो, आपको अवश्य रखनी है। आप जरूर अपने परिवार की तरफ से शिला रख करके इस पुण्य को अवश्य कमा लेना। बंधुओं, हो सकता है आपकी जिंदगी में दिल्ली जैसी जगह पर ऐसा मौका आपको ना मिले, इसलिए आप अपने परिवार की तरफ से आज से ही अपने अपने नाम भारत चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, हम इसको आने वाली 4 तारीख को शिला पर नाम लिख करके आपके परिवार का उस दिन यहाँ पर स्थापित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण भारत चैनल के माध्यम से सुबह 10:40 से और 12 तक होगा। बंधुओं, आप याद रखना, भूल ना जाना, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दिल्ली जैसी जगह, जीटी करनाल रोड जगह, जीटी करनाल जैसी जगह पर और देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में 1500 गज में बनने वाला ये विशाल मंदिर, जिसको देखने के लिए शायद लाइन लगेगी। आप सभी लोग इसमें अपने द्रव्य का सदुपयोग करें। आपने देखा, हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं, 150 गज जगह और लिए, जिसमें 24 का निर्माण करने जा रहे हैं। आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज की राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है, वह भी दे करके पुण्य कमा सकते हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के दिन आप इस पुण्य को अवश्य लेवें और अपने परिवार की तरफ से भूल ना जाए, एक एक शिला, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है, वह अवश्य एक शिला रख करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जय जिनेन्द्र। बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों से भी हमारे पास में आपने भूमि में दान दे करके आज 1350 गज में इस मंदिर का कार्य, जिसकी शिलान्यास हमने यहाँ पर 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर की है, आप सभी ने भारत चैनल के माध्यम से देखा होगा। बंधुओं, यह एक विशाल मंदिर जो 1350 गज में जीटी करनाल रोड दिल्ली में बनने जा रहा है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमने इसका शिलान्यास 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर किया था और यह शिलान्यास हम 4 नवंबर यानी दीपावली तक चलाएंगे। बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से इस महान कार्य में एक एक शिला अवश्य अपने परिवार की तरफ से लगा करके इस पुण्य लाभ को नहीं छोड़ें। हमारे यहां पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला, जिसकी राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है, रत्न शिला, जिसकी राशि 51,000 रुपए की है, स्वर्ण शिला, जिसकी राशि 31,000 रुपए की है, रजत शिला, जिसकी राशि 21,000 रुपए की है, कांस्य शिला, जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की है, ताम्र शिला, जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की है, फिर भी कोई बंधु नहीं देना चाहे, नहीं दे सकता हो, वह अपने परिवार की तरफ से निःशुल्क भी यहाँ पर शिला रखवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। बंधुओं, हम चाहते हैं कम से कम 10,000 शिलाएं या इस मंदिर के निर्माण से पहले पहले यहाँ पर रखी जानी चाहिए, जिससे एक इतिहास बन जाए। हमारे जैन धर्म का इतिहास जिस तरह राम मंदिर में बना है, उस तरह से हम सबको बनाना है। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग शिला रख करके इस कार्य को करेंगे। इसके अलावा आपने देखा, 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी घोषणा की, जो कि करीब 450 गज में गुप्ती सागर चैरिटेबल मेडिकल सेंटर के नाम से यहाँ पर बनने जाएगा। उसकी भूमि में करीब 100 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है, अभी भी हमें 350 गज का पैसा चाहिए, जिसमें 1 गज की राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 1, 2, 5 या 11 गज दे करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमाएं। हम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग हमारा इस कार्य में भी सहयोग करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ओपीडी के रूप में करीब 100 गज जगह में यहाँ पर ओपीडी चालू कर दी, जिसके अंदर डॉक्टर्स सुबह, दोपहर, शाम यहाँ पर बैठ करके करीब 20 से 25 मरीजों को रोज यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी जब संभव होगा,
जब आप सभी लोग इस कार्य में हमारा सहयोग दे करके और पुण्य लाभ ले लेंगे। बंधुओं, इसी कड़ी में आपने देखा गत 15 महीनों से हमने करीब 4 लाख लोगों को यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं, जो कि रोज सुबह 11 बजे से यहाँ पर शुरू होकर के आप सभी के सहयोग से बराबर यह भोजन, यह भंडारा जो गरीब लोगों के लिए चल रहा है वह रोज हो रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11000 रुपये, 21000 रुपये देकर के इस भंडारे में भी आप अपना सहयोग करके गरीब भाई बहनों को भोजन करवा सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 6:30 बजे, भारत चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे रोज शांति धारा जो कि गत 14 महीने से लगातार चल रही है, आप भी अपने परिवार की तरफ से एक दिन की 1100 रुपये, 3 दिन की 2100 रुपये, 5 दिन की 3100 रुपये, 11 दिन की 7100 रुपये और 1 महीने की शांति धारा मात्र 11000 रुपये देकर के आप अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार का नाम यहां पर लिखवा सकते हैं। एक एक शिला स्थापना करके इस पुण्य को अवश्य कमा करके और धर्म लाभ लेवे, ये सब आप सभी के सहयोग से होना संभव है। आप सभी लोग सहायता करें, सहयोग करके और इस कार्य में भाग लेवे। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोदा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली।